इमर्जिंग एशिया कप में जब इंडिया की पाकिस्तान से हार हुई थी तो एक चर्चा तेज हो गई थी कि क्या इमर्जिंग कप में 30-32 साल के लड़कों को खिलाना चाहिए, वो जिनके पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जब अफगानिस्तान से हार हुई तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। मतलब यार 18-20-24-22 साल के लौंडों ने पाकिस्तान को हरा दिया। हाँ ये बिल्कुल सच है, और हराया ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे शर्मिंदगी वाली हार है, क्योंकि पाकिस्तान ने 275 रन बनाने के बाद इतिहास में कभी भी मैच नहीं हारा था। 13 बार ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने 275 प्लस बनाया वर्ल्ड कप में, और 13 के 13 बार पाकिस्तान ने डिफेंड कर लिया, कभी भी उसकी हार नहीं हुई, ये पहली बार थी। और हराने वाले कौन थे? 18 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल के लौंडे, वो लौंडे जो जबरदस्त टैलेंट लेकर बैठे हैं। और जब ये लड़के 25 26 28 29 30 के होंगे तो यकीन मानिए ये अफगानिस्तान टीम जो है ये बहुत बड़ी टीम होने वाली है। मतलब अब अफगानिस्तान टीम को लेकर आप कह सकते हैं कि बाबू इन्हें चाहिए फुल इज्जत, ये छोटी मोटी टीम नहीं है, वो टीम नहीं है जो अंडरडॉग है, ये वो टीम है जो आपको डोमिनेट करेगी। और पहले इंग्लैंड और इस बार पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान ने एक मैसेज दे दिया, अगर इस बार वो सरप्राइज करके सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा शॉक मत होइएगा, हाय तौबा मत कीजिएगा, अरे अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए। अब नूर अहमद जो राशिद खान के चेले हैं, राशिद खान उन्हें गुजरात टाइटंस में भी लेकर आए थे और बहुत मेहनती प्लेयर हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। उनका डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में जिस जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले, जिन जिन लोगों के विकेट निकाले, वो अपने आप में बड़ा कमाल था। मतलब अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आउट किया, मोहम्मद रिजवान को आउट किया, और इन दोनों को तो 8 गेंद के अंदर आउट कर दिया, और उसके बाद बाबर आजम को भी आउट कर दिया, और उनका ये डेब्यू मैच था इस मैच में। मतलब नूर अहमद ने तो एक रिकॉर्ड ही बना दिया कि वो स्पिनर बन गए जिन्होंने सबसे कम उम्र में विकेट चटकाए हैं, और उसमें नूर अहमद का नाम जो है शामिल हो गया। ये अपने आप में एक शॉकिंग फैक्ट है। मतलब मैंने पढ़ा कि जो 5 स्पिनर्स जिन्होंने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप में विकेट निकाले हैं उसमें नूर अहमद आ गए, और पहले मैच में 18 साल का लड़का है। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान के नाम है, जावेद मियांदाद साहब जो है उनके नाम में रिकॉर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बल्लेबाजों में आते हैं, 233 मैच खेले हैं, 7 विकेट निकाले थे। लेकिन 1975 में जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला उस मैच में उन्होंने विकेट निकाला था और क्लाइव लॉयड को किया था 17 साल 364 दिन की उम्र में। सो ही इज द नंबर वन। लेकिन नूर ने 18 साल 65 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड कायम कर लिया, और बहुत बड़ी बात है नंबर दो पर 18 साल के लड़के का आना। और एक्चुअली में इस 18 साल के लड़के ही नहीं मैच जिताया, अब्दुल्ला शफीक वो सेट, बाबर आजम वो सेट, मोहम्मद रिजवान वाज अ क्रूशियल विकेट। और ये हालांकि इस लिस्ट में और भी नाम है, जैसे आप इस लिस्ट की बात करोगे तो जॉकरेल का नाम है, इंडिया से मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर का नाम है, 1992 में पहला वर्ल्ड कप खेला था और पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और तब एक बड़ा विकेट जो है उन्होंने पाकिस्तान का निकाला था, आमिर सोहेल का, वही आमिर सोहेल जिनकी वेंकटेश प्रसाद से अच्छी अनबन हुई थी और वो एक एपिक मोमेंट जो है वो देखने को मिला था। लेकिन इस टीम में तमाम ऐसे लड़के हैं जो बड़े नए नए एकदम लड़के हैं, और अभी बड़ी हैरानी होती है कि यार ये लड़के जो हैं ये जब अपने पीक पर जाएंगे, जब कभी भी जाएंगे, तो फिर ये अफगानिस्तान टीम जो है ये दुनिया में कहर बरपा देगी, बवाल काट देगी। जैसे कि आप दोनों प्लेयर को देखिए, जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज और अगर जादरान की उम्र आप देखोगे तो गुरबाज केवल 21 साल के हैं, जादरान केवल 21 साल के हैं। अब आप सोचिए 21 साल की उम्र में अगर इनके पास 5-5 शतक है, जादरान का तो ऑलमोस्ट एवरेज जो है मैं चेक कर रहा था 50 के आसपास एवरेज है, बैटिंग एवरेज 50 और जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ भी कहानी है, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक संभल खेलता है। मतलब जादरान का तो मैं खुद प्रशंसक हो गया हूं क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, जितनी कामनेस उनके अंदर है, ही इज टू गुड यार, टू गुड। मतलब ठहर कर खेलना और उसके बाद माहौल बनाना और मैचेस जिताना उनकी काबिलियत का हिस्सा है, और इस मैच को उन्होंने जिताया, मैन ऑफ द मैच, जस्ट 21 साल गुरबाज है। मुजीबुर रहमान जो हर एक मैच में ऑलमोस्ट बड़ी टीमों को परेशान करते हैं, शुरू में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में कहर ढाते हैं, माहौल बनाते हैं, ही इज 22। उमर जाई जो हैं वो 23 साल के हैं। आप सोचिए इकराम जो हैं उनकी उम्र 23 साल है, नवीन 24 साल के हैं, और राशिद खान साहब 25 साल के हैं। राशिद खान की एज को लेकर थोड़ा बहुत चलता रहता है कि क्या वो 25 साल के हैं या फर्जीवाड़ा है, हालांकि स्पिनर्स में तो पता भी नहीं लगता, तेज गेंदबाज होते तो इशू भी होते, स्पिनर्स तो वैसे भी 40-42-44 तक खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले जो हैं इमरान ताहिर साहब 44 तक खेल रहे हैं। लेकिन केवल रहमत शाह को हटा दें तो फिर ये टीम जो है ये बहुत नए लड़कों से है, 30 साल के अंदर कैप्टन इनका है, सो आई थिंक इस टीम के पास पोटेंशियल है, और आने वाले वर्ल्ड कप, मतलब इस वर्ल्ड कप तो चले ठीक है, लेकिन अगले वर्ल्ड कप आते आते मुझे लगता है ये टीम काफी पावरफुल टीम हो जाएगी और दुनिया की टॉप टीमों को चैलेंज देगी, टॉप टीमों को परेशान करेगी और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाएगी। अफगानिस्तान ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत जो है वो दर्ज की, चीज करते हुए इससे बड़ी जीत उन्होंने नहीं जीत करी, और इससे ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने क्या ना पाकिस्तान ने हारी नहीं थी। सो आई थिंक हाईएस्ट टारगेट चेज भाई पाकिस्तान आज है अफगानिस्तान का, इससे पहले यूएई के खिलाफ 274 चेज किया था, श्रीलंका के सामने 269 और 268 स्कॉटलैंड के सामने, ये उनके रिकॉर्ड रहे आज सबसे बड़ा 18-20-22